सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूँ। यह सच्चाई है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। राहुल गांधी जी ने एक ही हमें बात समझाई है, डरो मत, हम कोई नहीं डर रहे हैं। दूसरा था लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जीतेंगे, और इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। क्या इस मुल्क की सरकारें उन बयानों पर संज्ञान लेगी? क्या केवल राहुल जी के उस एक एक कथन के ऊपर इतने जो कठोर आप जो जजमेंट दे रहे हैं, तो प्रश्न तो इस सरकार के उस सरमाएदार से है जो सत्ता पे काबिज है। राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने लिया सावरकर का नाम, और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता अनिल चौधरी और अलका लांबा ने क्या बयान दिया और कैसे लगाई भाजपा की क्लास, ये जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोदी सर ने मामले में सूरत के कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद संसद से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, यानी खारिज हो गई थी। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत दे दी थी, जिसकी वजह से वो जेल जाने से बच गए थे। लेकिन शुक्रवार 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट के हेमंत एम प्रचाक ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी है। ये फैसला पूरी तरह से वाजिब है, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई यानी आज के दिन कहा। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केसेस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। सजा पर रोक ना लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा, जबकि वीर सावरकर का मामला केस दर्ज होने के लगभग 20 दिन के बाद सामने आया था। ये बात कोर्ट को समझनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया। आगे अनिल चौधरी और अलका लांबा का वीडियो देखने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा और उसके नेताओं ने खुद कई बार चुनावी रैलियों में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर गलत टिप्पणियां की हैं, पर उन पर कोई मानहानि का चार्ज नहीं लगाया जाता। कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश से प्यार और सम्मान मिल रहा है और रैलियों में लोग पीएम का नारा लगा रहे हैं, इससे भाजपा घबराई हुई है कि कहीं 2024 में सत्ता उनके हाथों से ना चली जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा और अनिल चौधरी ने क्या कहा। देखिए, बिल्कुल निराशा नहीं है, मेरे जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता देश के हर मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं पूरी ताकत से। राहुल गांधी जी ने एक ही हमें बात समझाई है, डरो मत, हम कोई नहीं डर रहे हैं। दूसरा था लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जीतेंगे, और इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। ये राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं, ये देश के लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है उसकी लड़ाई जो है हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। क्या था सवाल श्री राहुल गांधी जी का? संसद में खड़े होकर बार बार यही पूछा कि मोदी जी का अडानी के साथ क्या संबंध है, अडानी की कंपनियों में शेल कंपनी, फर्जी कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका, इस पे जेपीसी की जांच होनी चाहिए, यही तो मांगे उठ रही थी। क्या किया आपने? जांच की बजाय राहुल गांधी जी की सदस्यता लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, कहां जाते हैं? मणिपुर, जलते हुए मणिपुर में जाते हैं, लोगों के राहत कैंप में जाते हैं, वहां की गवर्नर को मिलते हैं और मणिपुर के हालात को बताते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर जल रहा है लेकिन मौन है। अडानी पर मौन है, बेरोजगारी पर मौन है, महंगाई पर मौन है, आपके मणिपुर पर मौन है, ये सब सवाल राहुल गांधी जी। 5 लाख लोगों की रैली तेलंगाना में की, सवाल उठे हैं।
और अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी से पूरी तरह भाजपा बौखला गई है कि कुछ ना होने के बावजूद किस तरीके से जो है ये खेल हो रहा है। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। जिस तरह का आदेश आया इससे ज्यादा हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये आवाज राहुल जी की नहीं, ये इस मुल्क के लोगों की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। सवाल इस बात का है कि आज जो आम जनमानस, युवाओं की, किसानों की जो आवाज थी, उसको दबाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, इससे आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, इस आवाज को रोकने का प्रयास है, लेकिन ये आवाज नहीं रुक सकती। ये आवाज आम जनमानस की है। सवाल तो उन पे उठता है जो आज सत्ता में काबिज लोग हैं, उनके पूर्व में बयानों को आप देखें, क्या इस मुल्क की सरकारें उन बयानों पे संज्ञान लेगी? क्या केवल राहुल जी के उस एक एक कथन के ऊपर इतने जो कठोर आप जो जजमेंट दे रहे हैं? तो प्रश्न तो इस सरकार के उस सरमाएदार से है जो सत्ता पे काबिज है, और ये डर दिखाता है कि एक आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन सत्य यही कि राहुल गांधी सत्य है और सत्य कभी घबराया नहीं है। सत्य है, आवाज इस मुल्क की है और वो राहुल गांधी है। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।